हाँ तो भाई लोग आ चुके हैं एक और फोटो एडिटिंग के साथ, यानी साथ ना आज का जो फोटो एडिटिंग होने वाला है कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग, जिसको भी ना फोटो एडिटिंग नहीं करने आता है उन लोग के लिए खास होने वाला है, क्योंकि मैं सिखाऊंगा रियल तरीका से फेस स्मूथ कैसे किया जाता है, देन हाँ बैकग्राउंड को कैसे डार्क किया जाता है, हाई क्वालिटी में फोटो एडिटिंग कैसे किया जाता है। तो वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए, देन चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ तो चलिए भाई लोग बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो भाई लोग सबसे शुरू ना आप लोग जाना होगा पिक्सेल मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, देन आने के बाद ना एक मेरा बैकग्राउंड है उसको क्लिक कर लेंगे भाई लोग। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ना तो आप लोग कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, देन आने के बाद ना आप लोग सीधे चले जाना होगा ऐड फोटो में। हाँ तो भाई लोग ऐड फोटो आने के बाद ना आप लोग सीधे आप लोग को ना एक मेरा बैकग्राउंड किया गया रिमूव किया वाला फोटो है उसको हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे अपने बैकग्राउंड के अंदर। हाँ तो भाई लोग ऐसे ना आप लोग को मतलब बैकग्राउंड के हिसाब से ही ऐड करना होगा। हाँ तो भाई लोग इतना कर लेने के बाद ना आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं डन कर लेना होगा, तो डन करने के बाद ना आपको सीधे चले जाना होगा इफेक्ट वाला ऑप्शन के अंदर। हाँ तो भाई लोग जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, देन उसके बाद हम लोग सेकेंड वाला में HDR जहाँ लिखा पड़ रखना है उसके बाद हम लोग ना इसको मैं डन कर लेंगे, मेरा HDR हो जाएगा फोटो। देन इतना कर लेने के बाद आप लोग फोटो को क्रॉप कर लेना होगा। हाँ तो भाई लोग फोटो क्रॉप करने के बाद ना आप लोग को सीधे आप लोग को ना फोटो को सेव कर लेना होगा। हाँ तो भाई लोग उसके बाद ना आप लोग को शेयर कर लेना होगा Lightroom मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो भाई लोग जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट Lightroom में चले जाएंगे, देन यहाँ आने के बाद ना आप लोग को फोटो ऑल फोटोज में जाना होगा। ऑल फोटोज में आने के बाद ना आप लोग को फोटो को क्लिक कर लेना होगा। हाँ तो भाई लोग फोटो क्लिक करने के बाद ना आप लोग को सीधे चले जाना होगा कलर वाला ऑप्शन के अंदर। हाँ तो भाई लोग इतना कर लेंगे ना इसका हम टेम्प को रखते हैं 22, देन इसका ना इसके बाद आप लोग ना इसका हम लोग इतना माइनस रखेंगे, देन इसका इसका 48 या फिर 100 रख देते हैं इसका। ऐसे ही ना आप लोग को ना सब माइनस रखते जाना होगा, सभी फॉलो बाई फॉलो को माइनस रखते जाना, ऐसे ही रखते जाना हो तभी आप लोग का फ्रेंड मतलब डार्क होगा आपका बैकग्राउंड। हाँ तो भाई लोग जो अभी हम बताते हैं ना पूरा रियल तरीके से बताते हैं, कोई भी फेक नहीं बताते हैं, इसीलिए अगर आप लोग नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ तो भाई लोग इतना करने के बाद आप लोग डन कर लेना होगा, देन उसके बाद आप लोग को इफेक्ट में जाना होगा, देन इफेक्ट में आने के बाद ना हम लोग को वाइब्रेशन को माइनस रखना होगा, इसका हम लोग 40 माइनस रखेंगे, देन इसके बाद ना आप लोग बिफोर एंड आफ्टर, देन इतना करने के बाद आप लोग कुछ नए फोटो को सेव कर लेना होगा। हाँ तो भाई लोग उसके बाद ना आप लोग को सीधे शेयर कर लेना होगा स्केच बुक यानी कि ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर। देन उसके बाद ना आप लोग को सीधी सेटिंग वाला में जाना होगा, देन उसके बाद ना आप लोग को सेटिंग में उस इस टाइप का फॉलो बाई फॉलो रखना होगा, देन इसके बाद ना ये वाला ब्रश को क्लिक कर लेंगे, देन इसके बाद ना इसका 35 में, देन इसके बाद आप लोग को ना गाल पे स्मूथ करेंगे ना तो कुछ इस टाइप का स्मूथ होना चालू हो जाएगा। देन उसके बाद ये वाला ब्रश को क्लिक कर लेंगे, देन उसके बाद ना ये वाला ब्रश में हम लोग को स्मूथ करना होगा, देन इसके बाद ना ये वाला ब्रश में पूरा हाई क्वालिटी में स्मूथ होना चालू हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वाला वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब लिया। चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।